खून जलाकर पसीना निकालकर हाथ रिक्शा खींचते हैं, मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। 2 जून की रोटी की जुगाड़ में जुटे महानगर में हाथ रिक्शा चालक आज भी आत्मसम्मान के साथ रिक्शा चलाते हैं। यह आज से नहीं बल्कि दशकों से इनका पेशा बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों की जो आज भी लोगों को हाथ रिक्शा की सवारी करवाते हैं। मौसम की मार भी इन्हें अपने काम से दूर नहीं कर पाती। दुबले पतले गंजी और लुंगी पहने हुए कोलकाता की तंग गलियों में कहीं भी ये रिक्शा चालक आपको दिख जाएंगे। लकड़ी से बनी ये हाथ रिक्शे आज धरोहर की दृष्टि से देखे जाते हैं। इनकी सामान्य सी दिनचर्या सुबह 5 बजे से ही शुरू हो जाती है। आय की बात करें तो दिन भर में इनके जेब में 200 रुपए से अधिक नहीं आ पाता। कई जगह तो आय में एक हिस्सा इन चालकों को रिक्शे के मालिक को दे देना होता है। बारिश होता है, पानी भर जाता है पूरा, इतना भर कमर भी पानी हो जाएगा तभी रिक्शा लेके चल जाएगा, तभी रिक्शा ले जा घुसा देगा, हॉस्पिटल ले जाके छोड़ देगा, इमरजेंसी में ले जाके छोड़ देगा। रिक्शा नहीं, रिक्शा मालिक का है। मालिक का है, मालिक को भी देना पड़ता होगा। मालिक को भी देना पड़ता है, हफ्ता में 300-350। घर परिवार है, रिक्शे से चलता है। कितने लोगों का परिवार है? 9 आदमी परिवार है।